एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। जस्ट अभी अभी हमारी मॉर्निंग हुई है, लेकिन बाहर तो सन भी निकल आया है, काफी धूप निकली है आज। ये मस्त बहती हुई रिवर जा रही है, ये है सिसु वाटरफॉल जो कि बर्फीले पहाड़ों के ग्लेशियर से पिघलते हुए नीचे तक आता है और फिर इसका पानी चंद्रा नदी के साथ बह जाता है। फिलहाल विंटर्स में ये पूरा फ्रोज हो चुका है, बट समर्स में ये कुछ ऐसा दिखता है। पहाड़ों के पीछे से निकलती हुई इन सूरज की किरणों को देखते हुए हमने चाय की चुस्की लगाई और फिर बिना नहाए निकल गए एक्सप्लोर करने। दोस्तों अभी वक्त आ गया सिसु को छोड़ने का। सिसु से आगे हम लोग जा रहे हैं कीलोंग की ओर, और जब हमारा होमस्टे था वहाँ से हम निकल चुके हैं। नाश्ता वास्ता सब हो गया है, रास्ते में ठंड भी बहुत लगने वाली है तो जैकेट वैकेट लगा लिया हमने। भाई साहब भी रेडी हो गए। भाई साहब, ओ भाई साहब, कैसे आप? बस ठंड का रहे है, बोल रहा है। अभी तो ज़्यादा टूरिस्ट भी नहीं है और वैसे भी सिसु तो 15 से 26 या 28 तारीख तक, मतलब एक वीक तक बंद रहने वाला, कुछ ऐसी बात हुई थी। तो आज सिसु भी एकदम खाली पड़ा है, देखिए वहाँ पे कोई नहीं है, कोई है ही नहीं, मतलब आज टूरिस्ट बहुत कम है। कुछ एक दो गाड़ी आई थी वो भी चली गई है। तो अभी हम जा रहे हैं किलों की ओर, चलिए चलते हैं। रास्ते में आप व्यू एंजॉय कीजिए और हम राइड। सिसु से आगे निकलते वक्त फ्यूल चेक करना मत भूलना, क्योंकि उसके आगे अवेलेबिलिटी बहुत कम है। लाहुल और स्पीति वैली के रास्ते काफ़ी मज़ेदार है, और वैसे भी मुसाफिर को मंजिल से ज़्यादा सफ़र की चाहत होती है। तो फिर हम हर एक जगह पर रुककर फोटोज और वीडियोस निकाल रहे थे। ये रास्ता तो बहुत ही खूबसूरत है, और अभी हम थोड़ा आगे बढ़ रहे थे कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ से नज़ारे, नीचे बह रही है एक रिवर और ये मेरे सामने है ब्रिज पूरा। लैंडस्केप देखिए आप ज़रा इस तरफ भी। हाय हाय, अब वक्त काफी गुजर गया था,
और हम बहुत लेट हो चुके थे, इसलिए हमने थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाई। देन वी रीच्ड कीलोंग विलेज। अब एडवेंचर और फन दोनों एक साथ होने वाला था, क्योंकि मोनेस्ट्री 6000 मीटर की हाइट पर बनी हुई है और रास्ते तो आप देख ही रहे हैं। मोनेस्ट्री यही जाता है ना, यही रोड पीछे वाला रह गया क्या? अच्छा ओके। हाँ ओके ओके। लेकिन एक लंबी सी ऑफ रोडिंग करने के बाद दोस्तों हम आ चुके हैं गोम्पा मोनेस्ट्री पे, और ये काफी हाइट पे बनी हुई मोनेस्ट्री है। ये नजारे हैं यहाँ पे, लेकिन रास्ता बहुत खतरनाक था। आ गए हम मोनेस्ट्री तक, लेकिन ये बंद है अभी, तो हम अंदर नहीं जा सकते। नजारे यहाँ से लाजवाब है। ये व्यू देखने के बाद कमेंट में जरूर बताना कि कीलोंग का सफर वर्थ है कि नहीं।